नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा का एक्सीडेंट हो गया है, ये खबर उनके भक्तों को सुना रहा हूँ, इसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कार एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार ने दो पलटी खाई और पंडित प्रदीप मिश्रा उस कार में सवार थे। हम आपको पूरी डिटेल देंगे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ था और कार हादसा कैसे हुआ। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा जो हैं वो अभी हरिद्वार में कथा कर रहे हैं। हरिद्वार में उनकी शिव पुराण की कथा चल रही है और शिव पुराण की कथा करने के लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा कथा पांडाल की ओर जा रहे थे। तभी एक खतरनाक एक्सीडेंट उनका हुआ और एक्सीडेंट इतना खतरनाक था, इतना भयावह था कि उनकी कार ने दो पलटियाँ ली। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा बाल बाल बचे हैं इस कार हादसे में, इस सड़क हादसे में। ये जो सड़क हादसा था ये कैसे हुआ है इसकी जानकारी अभी पूर्णता ढंग से नहीं मिली है, इसलिए हम आपको नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर पता है कि उनका कार एक्सीडेंट हुआ था और उनके साथ उनके साथी भी थे पंडित प्रदीप जी मिश्रा के। और पंडित प्रदीप जी मिश्रा का एक कार एक्सीडेंट आप लोगों की बदौलत, वो उन्होंने खुद ने कथा पांडाल में, वो बाद में आए, आपकी जानकारी के लिए, आपकी शांति के लिए हम बता दें कि वो एकदम सही सलामत है, उनको कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम सही है। और बाद में वो कथा पांडाल में आए भी और उन्होंने, जिन लोगों ने आज की कथा उनकी सुनी होगी, हरिद्वार में वो कथा कर रहे हैं, उन्होंने कथा पांडाल में आके इस बात की जानकारी भी दी। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कार एक्सीडेंट हुआ था और कार एक्सीडेंट कितना भयावह था इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो कार ने दो पलटियां खाई, तो आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक एक्सीडेंट हो रहा होगा। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कार एक्सीडेंट हुआ कैसे, आखिर वह हादसा हुआ कैसे, लेकिन इस बात की पुष्टि ज़रूर है कि कार हादसा हुआ था। और वो हरिद्वार में कथा जब सुना रहे थे, जब सुनाने के लिए आज के दिन जा रहे थे, तो रास्ते में ही कार ने पलटी खा ली और लगभग दो पलटियां कार ने खाई, तो यानी कि भारी भरकम एक्सीडेंट था। लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऊपर और उनके भक्तों, उनको काफ़ी लोग सुनते हैं, तो उनका आशीर्वाद रहा होगा, उनकी दुआएँ उनके साथ रही होगी, इसलिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा को खरोंच तक नहीं आई, वो एकदम सही सलामत है और उनके किसी साथी को कुछ भी नहीं हुआ है, ये राहत की बात है। तो कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा, आज फिर एक बार बता देता हूँ आपको, आज हरिद्वार में अभी हाल ही में उनकी कथा चल रही है, तो आज के दिन यानी कि 15 अप्रैल के दिन वो कथा सुनाने के लिए कथा पांडाल तक जा रहे थे। 1 बजे उनको पहुँचना था और कथा पांडाल में जाते समय उनकी कार ने पलटी खा ली और पलटी दो पलटियां खाई। इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना भयावह, कितना खतरनाक और कितना डरावना वो एक्सीडेंट था। जब ये बात भक्तों तक पहुंची तो काफ़ी भक्त सहम गए, डर गए, जो कथा पांडाल में बैठे थे। हालांकि गनीमत ये रही कि वहाँ पर कोई भगदड़ नहीं मची, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी उस समय नहीं दी। पंडित जी खुद कथा पांडाल में आए और उन्होंने बात की जानकारी दी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और कार ने दो पलटियां खाई थी। और कई सारे सोशल मीडिया के जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें ये खबर आग की तरह फैल गई। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा बाल बाल बचे हैं, उनके भक्तों की दुआ है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, इसलिए बचे हैं। और काफ़ी लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनके बताए हुए उपायों को अपनाना चाहते हैं, इसलिए हम सबकी ब्लेसिंग जो थी वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा के साथ थी, इसलिए वो बच गए हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि उनकी उम्र और लंबी हो, भगवान करे कि उनकी उम्र सालों तक चले और सालों तक वो शिव पुराण से हम सभी लोगों को धन्य करते रहे। तो ये कार एक्सीडेंट ज़रूर था, लेकिन कार एक्सीडेंट खतरनाक था। इस खतरनाक कार एक्सीडेंट में भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा को खरोंच तक नहीं आई, ये उनके भक्तों की दुआ है। तो ये जो खबर थी, ये खबर उनके भक्तों तक पहुंचाना ज़रूरी थी, इसलिए हमने सोचा कि उस पर वीडियो बनाया जाए, आप लोगों को बताया जाए कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा का कार एक्सीडेंट हो गया है। हालांकि अभी वो सही सलामत है, उनके साथी भी सही सलामत है। आप लोग भी घर पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।